शिवराज सिंह चौहान की भांजी को उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता ने गोली मार दी और उसकी 10-11 दिन उसकी मृत्यु हो गई। मगर उस 11 दिन का जो घटनाक्रम रहा वह बड़ा ही संदेहास्पद रहा। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, राज्य सरकार इस बात पे लगी रही कि कैसे उस आरोपी को बचाया जाए और इस हत्या के मामले को धोखे से चली गोली पे साबित किया जाए। संजीवनी नगर थाने का जो TI है वो 5 दिन तक ये बताता रहा कि जो गोली है वो जमीन पे चलाई गई और धोखे से उसके सीने में लग गई। वहीं दूसरी तरफ जो मृतका है उसने सोशल मीडिया पे अपने बयान दिए, तहसीलदार के समक्ष अपने बयान दिए। ये समूची बातें इस जबलपुर ने देखी और जबलपुर ने ये भी देखा कि किस तरीके से शिवराज सिंह जी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस उस अपराधी को बचाती रही। छोटी छोटी बातों पर अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए शिवराज सिंह जी बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाकई में जब मानवता को इसकी ज़रूरत होती है, जब पीड़ितों को इसकी ज़रूरत होती है और जब अपराधी उनके पार्टी से जुड़ा होता है तो उनका बुलडोजर शांत रहता है। आज यहाँ पर हम लोग उस बुलडोजर को लेके आए हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं, उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं इस बुलडोजर का इस्तेमाल करें। हमारे युवा कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के साथी उस घर का मलबा उठाने भी यहाँ पर तैयार हैं ताकि एक संदेश जाए कि इस प्रदेश की बच्चियाँ महफूज हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए खड़ी है। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन बेटियों को न्याय तभी तक मिल सकता है जब तक कि जो आरोपी अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ना। जैसा कि आप देख सकते हैं जो सामने फ्लैक्स लगा हुआ है उसमें साफ स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता का आप देख सकते हैं फ्लैक्स लगा हुआ है। बाकायदा कमल की फ़ोटो है, उसमें पार्टी का नाम दिया हुआ है। BJP जब जब उनके पास में हम देखते हैं ऐसे ही नेता है, कभी कोई रेप करता है, कभी कोई किसी छात्र को परेशान करता है, कभी कोई हत्या करता है और ऐसे गुंडों से और मवालियों से पार्टी भरी पड़ी हुई है। आज युवक कांग्रेस ये बुलडोजर लेकर इसलिए पहुंचा है कि हम जिला कलेक्टर महोदय और माननीय शिवराज सिंह चौहान, जिनका बुलडोजर गरीबों पर चलता है, एक समुदाय विशेष पर चलता है और जब भी हम देखते हैं तो एक अपराधी की सजा उसके घर वालों को देते हैं। आज हमारा यहाँ पर ये सांकेतिक प्रदर्शन इस बात को शिवराज के लिए एक मैसेज है कि किसी भी अपराधी के घर वालों को परेशान करना उचित नहीं है। यदि कोई भी हथियार उनके पार्टी में, पूरे हथियारों से भरी भारतीय जनता पार्टी है, आज हम जिला कलेक्टर महोदय और SP महोदय के इंतजार कर रहे हैं और बुलडोजर लेके आए। जब तक कि कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हम यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे।